हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की सुबह हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। बस हमारी ट्रेन है 6 बजे की, और हालांकि हम लोग रुके हुए हैं प्लेटफॉर्म के रिटायरिंग मतलब स्टेशन के रिटायरिंग रूम में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पहले जा रहे हैं स्टेशन पर, जिससे हम लोग टाइमली ट्रेन के अंदर एंटर कर लें। तो बस सामान वगैरह पैक करके अब निकलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। 6 बजे है वंदे भारत का टाइम। तो बस हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन, और ये है हमारी वंदे भारत ट्रेन जिससे हम लोग को पहुंचना है अयोध्या धाम। तो हम लोग ना एक्चुअली रिटायरिंग रूम में ही रुके हुए थे, तो अब हम लोग निकल करके आ गए हैं बाहर। रिटायरिंग रूम से क्या मतलब, ऊपर थे और स्टेशन पर आना था, तो हम लोगों को सिर्फ 24 आवर ही रहना था ना, तो हम लोग रिटायरिंग रूम ही कर लिए थे। एसी वाला था, ठीक था, मस्त था, बहुत दूर मतलब इतना सामान लेके फिर बच्चों को लेकर के होटल में रुको, फिर होटल से स्टेशन आओ, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना हम लोगों ने रिटायरिंग रूम ले लिया था, क्योंकि एक दिन की बात थी। तो ये थी हमारी ट्रेन वंदे भारत, और ये पटना से अयोध्या तक अभी लेटेस्ट चली हुई है। तो हम लोग ना पहुँच गए थे टाइमली, 6:15 टाइमिंग था, बट हम लोग 5:30 पहुँच गए थे। और आइए आपको अंदर से ना थोड़ा सा वंदे भारत ट्रेन मतलब एक्सप्लोर कराते हैं कि कैसा कैसे क्या है। तो बस हम लोग सामान लेकर के बैठ के सीट पे बैठ गए थे, विंडो सीट थी और बाकी बगल की 2 सीटें थी, तो हम लोगों की ना 3 सीटें बुक की हुई थी। हमारी हस्बैंड की सिद्धि की राघव तो अभी छोटा ही है, लगेज वगैरह ऊपर लगा दिया था और फिर हम लोग बैठ गए थे। और ना तुरंत ही हम लोग को ना चाय कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब आता है, बिस्किट चाय कॉफ़ी जो भी आपको लेना हो, और फिर उसके ना आधा एंड 1 आवर बाद ये आ गया था हम लोगों को ब्रेकफास्ट, जिसमें मतलब वेज आप करो तो वेज मिलेगा, नॉन वेज करो तो आपको नॉन वेज मिलेगा, तो बट हम लोगों ने वेज किया हुआ था। और फिर एक न्यूज़पेपर मिल रहा था, और उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह मतलब हिंदी इंग्लिश कोई भी रहे, आप कोई भी ले लो, तो हिंदी मतलब इंग्लिश अभी अवेलेबल नहीं था, हम लोगों ने ना फिर हिंदी ले लिया था। बट विंडो सीट लेने का ना हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बीच में हम लोगों को मिल गया था पिलर, तो हम लोगों का हो गया था मोए मोए। और यहाँ पर सिद्धि और राघव बैठते ही बोर होने लगे थे कि बता मतलब मुझे नीचे उतरना है। राघव का ये कहना था ना कि जल्दी से अयोध्या आ जाए और मैं पहुँच जाऊँ ट्रेन से नीचे उतर करके, एक्साइटमेंट एक्चुअली था घर जाने का, वैकेशन से स्टार्ट हो गए ना। और यहाँ पर सिद्धि और राघव दोनों में चल रही थी फाइटिंग, जिसको सॉल्व कर रहे थे पापा जी। और यहाँ पर ना बस हम लोगों की ट्रेन जो है अयोध्या पहुँचने वाली थी, टाइमली थी, मतलब ये बिफोर चल रही थी, तो बीच बीच में थोड़ा सा रुक करके ना वो अपना टाइम मैनेज कर लेती थी। तो फाइनली 6 घंटों के ना इंतज़ार के बाद फिर हमारा स्टेशन आ जाता है अयोध्या धाम जंक्शन, और जिसका हम लोगों को ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ना बैठे बैठे ट्रेन में बोरियत सी होने लगती है, फिर चाहे वो क्योंकि चेयर कार थी, तो यही है फाइनली अयोध्या धाम जंक्शन। और यहाँ से ना बस पीछे के साइड में ही हमारा घर है, बट लेकिन ये प्लेटफॉर्म बन गया है ना, तो जिससे छुप गया है। तो बस हम लोग पहुँच गए थे, गाड़ी हमारी अपनी स्पीड में ही पहुँच गई थी वहाँ पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन से पहले ही यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन का इनॉग्रेशन हुआ है, और ये अभी लेटेस्ट बना हुआ स्टेशन है, पहले ऐसा नहीं था, बट अभी ये बन करके ना जब तैयार हुआ है तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा स्टेशन बन करके तैयार हो गया है, और हाँ ये मतलब एक मेन स्टेशन हो गया। नाउ वी आर अयोध्या धाम जंक्शन। तो ट्रेन से नीचे उतरते ही ना जैसे ही नीचे उतरे, बस तुरंत रिसीव करने के लिए देवर आ गए थे हमारे। एक्चुअली ना जितना इंतजार हम लोगों को था ना इतना ही फैमिली मेंबर्स को भी था। तो बस 12:15 पे अपने राइट टाइम पे हमारी ट्रेन पहुंच जाती है अयोध्या धाम जंक्शन। और ये देखो मेरे मतलब फादर इन लॉ रिसीव करने आए हुए थे ना, तो मुझे दुपट्टा नहीं मिला था, मैंने कहा ना ये एक टॉवल थी, मैंने कहा लॉ सर पे रख लेते हैं ऐसा। तो बस मतलब कि देवर आए थे और फादर इन लॉ आए थे हमारे हम लोगों को स्टेशन से रिसीव करने के लिए, और बस हम लोग निकल गए थे। लगेज क्या 2 ही बैग था, बट और हमारा घर ना स्टेशन से नियर में ही है, अयोध्या धाम के पास में ही है हमारा घर, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। और फिर आप लोग कहोगे कि क्या ये मतलब कि टॉवल उड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी चलता है, मतलब कितना मैंने नहीं कहा, हाँ बस मतलब विदाउट दुपट्टे से तो ये तो बेटर है कि मैंने ये कर लिया। और अब तो अयोध्या धाम पर ना ये बैटरी वाला ई रिक्शा भी चलने लगा है कि आप अपना लगेज या फिर प्लेटफॉर्म तक अब खुद बैठ करके आ सकते हो। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे घर पे, और ये है मेरी मदर इन लॉ, और पहुंचते ही मैंने मतलब पैर जी आशीर्वाद लिए, सब कह रहे ये क्या मतलब टॉवल ओढ़ करके आई, मैंने कहा हाँ भाई दुपट्टा सब बैग में पैक था। फिर हम लोगों ने ना फ्रेश व्रेश होकर नहा धो करके किया अपना लंच, और बस आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे ना हम आगे के नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, और फिर मिल लो हमारी प्यारी सी लाडो रानी से, जिससे मिलने के लिए ना हम लोग एक्साइटेड थे और इतना दूर से आए। वैकेशन जैसे ख़त्म हुआ ना बस लाडो रानी के लिए भागे चले आए, मतलब और फैमिली मेम्बर्स के लिए आए, लेकिन बच्चे
घर में रहते हैं ना, तो पूरा मन बच्चों में लगा रहे। तो अभी ना बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, इसके लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय।